हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋतुकाज लाइफस्टाइल एंड किचन। और आज मैं बताने जा रही हूँ ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट रगड़ा पेटीज, और इसे हमारे बिहार में आलू टिक्की चाट भी बोलते हैं सिंपल वे में। तो आज मैं ये तीखी चटपटी आलू चाट और रगड़ा पेटीज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है ये कुक्ड येलो पीस। मैंने इसे रात भर सोक किया था, फिर मैं इसे 2 से 3 विसल में कुक की हूँ। और ये 2 बॉयल्ड पोटैटो है। मटर को मैंने हल्दी और नमक के साथ 1 कप मटर में मैंने 1.5 कप पानी डाल के इसे कुक कर लिया था। अब ये थोड़ा सा थिक है तो मैं इसे पैन में डाल के थोड़ा सा थीन करूँगी। इसे 1 बॉयल लगवा दूँगी बस। मीडियम फ्लेम पे इसे रख दे। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड की हूँ और फिर इसे छोड़ दी हूँ। तब तक ये 2 बॉयल्ड पोटैटो मैंने लिया है, इसे मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। ये ग्रेटर है पतला वाला, आपके पास मोटा हो तो आप मोटा वाले से भी कर ले। तो ये देखिए पोटैटो मैश हो चुका है, अच्छे तरीके से ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिली और जिंजर। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और पहले हम लोग बनाएंगे इसका टिक्की। तो ये मैंने थोड़ा सा पोटैटो अपने हाथ में लिया और इस तरह से गोल शेप देते हुए इसे मैं फ्लैट कर दूंगी बीच से, और चारों तरफ से इसे शेप दे दूंगी गोल सा टिक्की का। अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा ऑयल लगा लें। और टिक्की का शेप आपके ऊपर है, आप बड़ा देना चाहे बड़ा दे सकते हैं, छोटा बनाना चाहे छोटा बना सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी टिक्की बनके तैयार हो गई है। अब छोले भी बॉयल हो चुके हैं, जो मटर है उसमें बॉयल आ चुका है और थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। ये हो चुका है, मैं इसे खाली कर लूँगी। और चलिए अब बनाते हैं टिक्की। तो मैंने ये पैन चलाया, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ चेक ज़रूर करिएगा। और अदर्स लिंक पर आपको मिलेंगे वीडियोज़ के वहाँ पर। ऑयल को अच्छे से हीट होने दें मीडियम फ्लेम पर ही, मीडियम टू लो फ्लेम पे टिक्की को बनाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। बस इसे पलट पलट के बिल्कुल रेड और क्रिस्पी टिक्की तैयार करनी है। थोड़ी थोड़ी देर पे इसे पलटते रहें। देखिए टिक्की मेरी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेड और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है टिक्की। और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कर ली हूँ, जो भी इस चाट में जाएगी रगड़ा पेटीज में, छोले टिक्की और सारी गार्निशिंग की चीज़ें। तो चलिए अभी से असेंबल करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया एक प्लेट और मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ रगड़ा। और रगड़ा बिल्कुल प्लेन है तो मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, लाइक क्यूमिन सीड्स, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। स्वीट इमली की चटनी जो होती है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ तीखी धनिया की जो चटनी होती है वो। इतना डालने के बाद मैं ऊपर से पेटीज यानी जो टिक्की मैंने तैयार की थी वो मैं रख दूंगी। और फिर ऊपर से मैं थोड़ा सा रगड़ा डालूंगी।
और इसके साथ ही मैं वो सब चीज़ फिर से डालूंगी और कुछ और भी ऐड करूंगी इसमें। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रोस्टेड क्यूमिन सीड्स का पाउडर, क्रश किया हुआ ये रेड चिली पाउडर, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट इमली की चटनी, तीखी धनिया की चटनी, चॉप्ड अनियन, आप चाहें तो टोमेटो और कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं, चॉप्ड ग्रीन चिली, और फिर लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें प्लेन सेव जो नमकीन आती है वो। तो बस ये लीजिए, तीखा चटपटा रगड़ा पेटीज और आलू टिक्की चाट बनके तैयार है बिल्कुल। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत यमी बनके तैयार होता है और इजी रेसिपी है, तो घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और यमी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।